हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का ये वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पे बनाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हम पांडा माउस प्रो को मोबाइल टू मॉनिटर कनेक्ट करके कीबोर्ड एंड माउस से कैसे खेलें, तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट इसमें आप लोगों के फ़ोन में भी कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगा और साथ में एक पोर्ट का मल्टी पोर्ट यूएसबी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो मिला बहुत रिसर्च करने के बाद। तो यहाँ पे अभी आप लोग जो पोर्ट देख रहे हो इसमें आप लोगों को ये फीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पोर्ट में सबसे पहले तो चार्जिंग भी कर सकते हो, HDMI भी लगा सकते हो, इंटरनेट केबल लगा सकते हो, कीबोर्ड एंड माउस दोनों भी अटैच कर सकते हो एंड अपने फ़ोन से कनेक्ट करके ईजिली मोबाइल टू मोनिटर स्क्रीन शेयर करके खेल सकते हो। बट ये सभी फोन्स में सपोर्ट नहीं करता है और ये जो मल्टीपल हब है ये ओनली MHL सपोर्टेबल डिवाइस में ही वर्क करता है। जैसे आपका फ़ोन है वो MHL सपोर्ट होना चाहिए। तो अभी कैसे आप लोग चेक करोगे मेरा फ़ोन MHL सपोर्ट है या नहीं है, इसके लिए प्ले स्टोर पर आप लोगों को MHL चेकर नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको चेक करना होगा क्या आपका फ़ोन MHL सपोर्ट है या नहीं है। अगर आपका फ़ोन है तब आप लोगों में ये जो मल्टी USB हब है ये आपके फ़ोन में वर्क करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन की अगर बता दूँ तो मेरा फ़ोन पोको X3 प्रो है और मैंने अभी इसको इंस्टॉल कर लिया। अब कैसे चेक करना है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से अभी आप लोग देखो, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा और इसको ईजी आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ईजिली यहाँ पे आप लोगों को चेक वाला एक ऑप्शन मिल रहा होगा, बस उसी पे क्लिक करने। जैसे क्लिक करते हो तो अभी मेरा फ़ोन MHL सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट शो हो गया कि आपका फ़ोन MHL सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए भी आप लोग टेंशन मत लो, अगर आपका है तो आप लोग इस पोर्ट का यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी आप मेरे पास सोल्यूशन है, आप लोग Zone 10 का केबल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है Zone 10 का 3-in-1 HDMI केबल, जो नॉन MHL सपोर्ट जो डिवाइस होता है उसमें भी ये केबल सपोर्ट करता है। आपका जो स्क्रीन है मोबाइल का वो मॉनिटर पे शेयर कर देता है। तो अभी यहाँ पर देखो कि इसमें जो ये एक पोर्ट USB वाला है वो तो जाएगा डायरेक्ट चार्जर में और इसके बाद जो ये आता है ये आपके फ़ोन में और HDMI वाला पोर्ट आपके मॉनिटर में चला जाएगा। ओके, इससे आप लोग इजीली स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम करते हैं फटाफट से इन सभी कनेक्शन को कंप्लीट, क्योंकि ऐसा तो यार होगा नहीं, तो कनेक्शन करके फिर मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो गया सक्सेसफुल। अब यहाँ से कर लेते हैं फ़ोन को मॉनिटर से कनेक्ट एंड जैसे हम लोग यहाँ से मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा। बट सबसे फर्स्ट तो अगर आप लोगों का जो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो जैसे कनेक्ट करोगे वैसे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा 3 से 4 MB का है बस। उसके बाद एक बार सेटअप करना है, बहुत इजी सेटअप है यार, बस आप लोग एक बार सेटअप कर लो उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप लोग कनेक्ट करोगे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पांडा माउस प्रो से कैसे खेले। तो इससे पहले तो आप लोग देखो यहाँ पे तो ये स्क्रीन शेयरिंग का पोर्ट लगा हुआ है, बट अब मैं कीबोर्ड एंड माउस वो मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँ जिससे मेरा जो स्क्रीन वो शेयर भी रहे और कीबोर्ड माउस भी वर्क करे। तो ऐसे मैंने कुछ पोर्ट्स और भी ट्राई किया बट उससे भी कोई भी काम का नहीं रहा। तो इसके लिए आप लोगों को एक ब्लूटूथ कन्वर्टर चाहिए ही चाहिए, या फिर आप FlightG Q1 यूज़ करो जो अभी मैं फ़िलहाल में यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप लोग जो भी यूज़ करना है वो करो, बट आप लोगों को एक ब्लूटूथ कन्वर्टर चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग ब्लूटूथ कन्वर्टर यूज़ नहीं करोगे तो आपका नॉन MHL डिवाइस में पांडा माउस प्रो सपोर्ट तो करने से रहा। अगर आपका MHL सपोर्ट डिवाइस है तो उस प्रोडक्ट के थ्रू आप लोग इजीली पांडा माउस प्रो से भी मोबाइल टू मॉनिटर कनेक्ट करके इजीली प्ले कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को अगर नॉन MHL है तब यार आपको एक ब्लूटूथ कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसका भी सेटअप बहुत इजी है, बस आप लोगों को मैं एक ऐसे तो ऑलरेडी मैंने इसका पूरा फुल सेटअप ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को वॉच ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट तो FlightG Q1 में पावर देना पड़ता है और यार अभी आप लोग बोलोगे यार पांडा माउस प्रो का बोलिए तुम ये FlightG Q1 का यूज़ कर रहे हो, तो भाई यार मैं यही बताना चाहता था क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे ना कि पांडा माउस प्रो से भी वीडियो बनाओ कि पांडा माउस प्रो से मोबाइल टू मॉनिटर कनेक्ट करके कैसे खेले। तो इसके लिए मैंने यार बहुत रिसर्च किया कि अब मेरा जो फ़ोन नॉन MHL है एंड मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा बंदे के पास नॉन MHL फ़ोन ही होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका अगर कोई हमें USB हब मिल जाए तो मैं इजीली इससे कनेक्ट करके खेल सकता हूँ। बट यार मुझे मिला ही नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया
पता है मैंने इतना तक रिसर्च किया कि जो अभी ये जो चार्जिंग वाला पोर्ट है जिसमें मैंने अभी मॉनिटर का वायर कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर वो दो पोर्ट वाला मिल जाए कि इसमें कनेक्ट करके एक को मैं स्क्रीन मिररिंग के लिए कनेक्ट कर दूंगा और दूसरा मैं अपने कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए कर दूंगा। तो मैंने उस जब प्रोडक्ट के रिव्यू में गया तो वहाँ पर उसमें भी शो हो रहा है कि भाई ये मतलब HDMI केबल इसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं तो यार आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक ब्लूटूथ कन्वर्टर ही बाय कर लो। अब आप लोग कहोगे कि मैं कहाँ से बाय करूँ, बैंगलोर तो अभी मतलब इंडिया में शिप करने के लिए रेडी नहीं है। तो मैंने अभी उसके कस्टमर केयर से बात किया तो मुझे पता चला कि अभी जितने जो प्रोडक्ट्स है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो आउट ऑफ स्टॉक के कारण अभी वो इंडिया में नॉट डिलीवर शो कर रहा है। तो जैसे वो स्टॉक में आ जाता है तो वैसे ही फिर से हो सके तो इंडिया में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप लोग वेट करो जब तक वो प्रोडक्ट आता है, उसके बाद आप लोग ईजिली उसको ऑर्डर कर सकते हो। तो बस यार उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसी वीडियो हमेशा पाने के लिए। और आप लोग कमेंट करो ये सेटअप पे 1v4 कस्टम वीडियो कर दूं, बताओ यार कमेंट करके जरूर बताओ। और 1v4 कस्टम अगर चाहिए आप लोगों को प्रॉपरली यही सेटअप पे हैंड कैम पे तो कमेंट करो, मैं उस पर भी ट्राई करूंगा अपना बेस्ट गेम प्ले निकालने का प्रॉपर कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट करो उसके बाद ही मैं इसका ट्राई करूंगा। ओके तो बस यार आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए।